गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का पार्ट फर्स्ट मैं आपको अध्ययन करवाने जा रही हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट का जो हम आरंभिक जीवन देखते हैं, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट समृद्ध परिवार में जन्मे थे। इनके पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस के राजा के दरबार में कोर्सिका द्वीप से प्रतिनिधि थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जब हम आगे अध्ययन करते हैं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि नेपोलियन बोनापार्ट का नाम विश्व इतिहास के चमत्कारी व्यक्तित्व में से लिया जाता है। नेपोलियन को क्रांति पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसने क्रांति के साथ साथ जो फ्रांस के आदर्श थे, समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, इन तीनों को उन्होंने एक तरह से साकार रूप में परिणित किया था। जहां तक उसके आरंभिक जीवन के बारे में यह कहा जाता है कि रईस खानदान में वह पैदा हुए। ऑब्वियसली उनका जो बचपन था वह भी अच्छा बीता। उनको बचपन से काफी अच्छी शिक्षा मिली। यही नहीं, उनके परिवार वालों ने उनकी योद्धा प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें फ्रांस की एक मिलिट्री एकेडमी में सैनिक शिक्षा के लिए भेज दिया था। उन्होंने 1785 में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी और रेजिमेंट तोपखाने में वह बतौर सब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किए गए। उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूर्ण रूप से निर्वाह किया। उन्होंने अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण किया। इसके बाद उनकी शादी हुई, लेकिन उसमें कोई उनके संतान नहीं पैदा हुई। अतः उन्होंने अपनी दूसरी शादी मैरी लुईस के साथ में करी। नेपोलियन का जो आरंभिक जीवन है, उसके बाद में हम जब उसके कर्तव्य पथ को देखते हैं, तो जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, तो 1792 में वह पेरिस के जेकोबिन दल के सदस्य बन गए। जेकोबिन दल के सदस्य बनने के बाद ही नेपोलियन को अपनी सैनिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। चूंकि उस समय फ्रांस की क्रांतिकारी सेना को प्रशिक्षित सैनिक अफसरों की भी आवश्यकता थी, उन्होंने फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्ति पाली और उनको एक कार्य दिया गया, जिसमें कहा गया कि वह तूलो नगर पर अधिकार करें। उन्होंने ये कार्य सफलतापूर्वक किया, जिससे उनको ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। 1796 से 1797 में उन्हें इटली के सैनिक अभियान के लिए भेजा गया। चूंकि उस समय डायरेक्टरी का शासनकाल था, डायरेक्टरी के शासनकाल में उन्हें एक पद पर, कमांडर पद पर नियुक्त किया गया। 1796 में उन्हें सैनिक कीर्ति की धाक जमा दी और इटली के सैनिक अभियान में वह इतने सफल हुए कि उनके बारे में यह कहा जाता है कि बोनापार्ट का प्रथम इटली अभियान सैनिक दृष्टि से अति श्रेष्ठ अभियान था और युद्ध की कला का एक आदर्श प्रतिमान था। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो मैप दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो फ्रेंच अम्पायर है, यानी फ्रांस का जो साम्राज्य है, वह जो आपको आसमानी ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है वह है, जो लाइट जो ब्लू है यानी आसमानी कलर, वह नेपोलियन के अधिकृत क्षेत्र है, जिसमें
उन्होंने राइन वगैरह, जेना वगैरह, ये सब देश उनके अधिकार में थे। और 1810 में जो फ्रांस के अलायंस थे, वह ऑस्ट्रिया वगैरह, वह आपको पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके इटली के जो सैनिक अभियान में नेपोलियन ने 35,000 उत्साही फ्रांसीसी सैनिकों के साथ आल्पस पर्वतमाला की ओर प्रस्थान किया था। नेपोलियन ने अपना ध्यान ऑस्ट्रिया की तरफ केंद्रित किया। उन्होंने एक सैनिक चातुर्य किया कि उन्होंने ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया दोनों को एक जगह संगठित होने का अवसर नहीं दिया। इस प्रकार इस युद्ध से सार्डिया ने घबराकर नेपोलियन से संधि कर ली और फ्रांस को सेवाए व नाइस के प्रांत दे दिए। सार्डिनिया की तरफ से निश्चिंत होकर जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की तरफ ध्यान केंद्रित किया तो ऑस्ट्रिया की सेनाएं उसे पीछे हट गई और मांटुआ के दुर्ग में जाकर छिप गई। मांटुआ के दुर्ग में भी नेपोलियन ने उन पर आक्रमण किया और इस प्रकार नेपोलियन का जो कार्य था उसमें इटली का सैनिक अभियान इतना सफल हुआ कि उन्होंने वहां पर डायरेक्टरी की सलाह के बिना ही कुछ ऐसे कार्य किए कि उनको इटली में जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे उनको उन्होंने एक इकाई बना दिया जिसमें लिगुरियन रिपब्लिक का नाम प्रमुख है। नेपोलियन ने पोप तथा वेनिस के राज्यों से प्राप्त भूमि को मिलान नगर से जोड़कर एक नए सिसलपाइन गणतंत्र की भी स्थापना करी। इसकी परिणति इस रूप में हुई कि 1797 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ एक संधि करी जिसका नाम था कैंपो फोर्मियो की संधि। इस कैंपो फोर्मियो की संधि के अनुसार लोम्बार्डी व बेल्जियम का क्षेत्र जो अभी मैप में आपको दिख रहा था ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को दे दिया और फ्रांस ने उसकी अवज में वेनेशिया का क्षेत्र दिया। इस प्रकार इटली वासियों के लिए नेपोलियन एक निरंकुशवाद व प्राचीन सामंतवाद से मुक्ति के रूप में एक आदर्श के रूप में इटली वासियों के समक्ष खड़ा हुआ जिन्होंने ऑस्ट्रिया से उन्हें मुक्ति दिलाई। इस युद्ध से नेपोलियन को काफी धनराशि प्राप्त हुई जो उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दी तथा पेरिस सरकार को भी उन्होंने इसका हिस्सा बतौर उपहार के रूप में प्रदान किया। इसके बाद जो कैंपो फोर्मियो की संधि थी उसके बाद फ्रांस के समक्ष यूरोप के में एक ही शक्ति बची थी वह था इंग्लैंड। नेपोलियन की यह नीति थी कि इंग्लैंड पर प्रत्यक्ष आक्रमण करके उसको जीत पाना बहुत ही बड़ी दिक्कत है, अतः उसने इसके लिए पहले भारत पर आक्रमण करने की सोची और कहा कि भारत ही एक ऐसा स्रोत है जहां से इंग्लैंड की शक्ति और समृद्धि बढ़ रही है। तो उसने भारत पर आक्रमण से पहले या अधिकार से पहले उसने मिस्र पर अधिकार करने की नीति अपनाई, अर्थात जो सिकंदर महान के पदचिन्हों पर नेपोलियन चल रहा था। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सैनिक अभियान का कमांडर नियुक्त किया और नेपोलियन ने अपनी नीति के अनुसार मिस्र का सैनिक अभियान किया। इस मिस्र के सैनिक अभियान में नेपोलियन को पिरामिडों के युद्ध जो 1789 में हुआ और नील नदी के युद्ध में उसको सफलता प्राप्त हुई, लेकिन उसका ये जो अभियान था वह बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। उसमें वह अपने कई सैनिकों को खो चुका था।
अबुकिर के युद्ध में भी उसने तुर्की की सेनाओं के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी थी। लेकिन फ्रांस में उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी कि नेपोलियन वहां अधिक समय तक नहीं रह पाया। नेपोलियन ने अपना जो मिस्र का अभियान था वह क्लाबार नामक व्यक्ति को सौंपने की जिम्मेदारी करी और नेपोलियन फ्रांस चला गया। यहीं से उसके मिस्र के अभियान पर रोक सी लग गई। उसको मिस्र के अभियान को क्लाबार संभाल रहा था। नेपोलियन ब्रिटिश नौसेना की निगाहों से बड़ी मुश्किल से बचते हुए 1799 में फ्रांस पहुंचा। इसके लिए फ्रांस पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका था। यूरोप की बड़ी शक्तियों ने फ्रांस के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया था। नेपोलियन ने जो सफलताएं प्राप्त करी थी उस पर लगभग पानी फिर चुका था। डायरेक्टरी के सदस्य वहां पर बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे। चूंकि नेपोलियन ने इस समय बड़ा ही सुअवसर इसको माना और उसने सत्ता का अधिग्रहण, जो फ्रांस की सत्ता का अधिग्रहण करने की उसने सोची। चूंकि फ्रांस की जनता का वह विश्वास पा चुका था, इसलिए फ्रांस की जनता भी ये चाह रही थी कि वह एक सशक्त नेतृत्व का एक तरह से अनुसरण करे और नेपोलियन को उसके लिए उन्होंने अपना जो सर्वसम्मति थी वो भी प्रदान करी। नेपोलियन ने अपनी एक योजना करी जिसमें 1799 में एक राज्य विप्लव हुआ। उस राज्य विप्लव ने नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत किया और अपने आप को फ्रांस की सत्ता के केंद्र में स्थापित किया। डायरेक्टरी के स्थान पर अब फ्रांस में कॉन्सुलेट की स्थापना करी गई। कॉन्सुलेट में 3 सदस्य थे, जिसमें पहला था नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा था साई और तीसरा था दुका। नेपोलियन को प्रथम काउंसल के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार नेपोलियन का जो ये जो उत्कर्ष हुआ या जो कुछ इटली का या मिस्र का जो उसने सैनिक अभियान किया, उससे वह एक कुशल नेतृत्व के रूप में तो उभर ही रहा था। फ्रांस की जनता भी उसे मान चुकी थी, तो उसने प्रथम कौंसल के रूप में अपने आप को नियुक्त किया और उसके बाद उसने कई तरह के सुधार किए, संवैधानिक सुधार भी किए। इन संवैधानिक सुधारों से फ्रांस में एक तरह से नई अवधारणाओं की परिणति हुई। फ्रांस उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था नेपोलियन के नेतृत्व में। ये सब अब आगे की जो हम नेपोलियन के जो कार्य है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ये आप इसका जो प्रारंभिक जो उत्कर्ष था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। धन्यवाद।